गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, उसका हमारा आठवां नियम है, यानी कि जो स्वर सॉरी व्यंजन संधि है उसका आठवां नियम है। आठवां नियम क्या है देखिए, यदि तय या जय के बाद छह हो जाता है, जैसे उच्चारण। तो ये क्या होगा, उच्चारण। तो इस प्रकार हमारा जो आठवां नियम है वो हो गया। उसके बाद हमारा नौवां नियम, नियम नंबर 9, यदि तय या दय के बाद है आयु तो यदि तय या दय के बाद में है वर्ण आए तो तय वेदय का दय हो जाता है तथा है का ये आपको ध्यान रखना है। यदि तय या दय के बाद में है वर्ण आए तो तय और दय का तो दय हो जाएगा, है वर्ण का दय हो जाएगा। जैसे आप देख तत् प्लस हित, ये हो गया तदित। तो इसी प्रकार जो हमारा दसवां नियम है वो देखिए, नौ नियम हमारे हो गए। अब हमारा है दसवां नियम देखिए, नियम नंबर 10, यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो तथा दूसरे पद के दूसरे पद का
के अंत में कोई स्वर हो और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण छह हो तो छह के स्थान पर परी प्लस छेद परी छेद आ प्लस छादन आच्छादन देखिए इसमें पहला जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है ऊ की मात्रा लग रही है तो ऊ क्या है इसमें स्वर और यहां पर छह छह यानी तो ये क्या हो गया चच में बदल गया। इसी प्रकार इसमें ई है और ये छह है इसमें आ है और ये छ है तो इस प्रकार हमारा जो नियम दस हो गया वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए नियम हमारा ग्यारहवा क्या कहता है। नियम तो इसमें बहुत सारे हैं लेकिन जो बहुत आपके काम के हैं वो वही आपको लिखवा रहे हैं। यदि पहले पद के अंत में कोई अन्य स्वर आए कोई अन्य स्वर आए आए और दूसरे पद के हो जाता है जैसे देखिए अभी प्लस से तो ये हो गया अभी से क्या हो गया अभी से बी प्लस सम विषम नी प्लस सिद्ध निषिद्ध
प्लस सुक्ति, सुसुक्ति। तो इस प्रकार इसमें यदि पहले, यदि पहले पद के अंत में ए और आ को छोड़कर अगर कोई अन्य स्वर आता है, उसके बाद में स आता है, तो स के स्थान पर क्या होता है, स हो जाता है। अब हमारा नियम 11 है, वो देखने के हैं। नियम 11 क्या कहता है, नियम 11 है, सॉरी नियम 11 तो हो गया हमारा, नियम 12, 11 का हमारा हो गया था लास्ट, हमारा जो नियम बच रहा है कौन सा है, 12 नियम बच रहा है। देखिए री रे, वैसे ये आपका काम का नहीं है, देखो छोड़ो इसको, आप जितने 11 आपके नियम है ना, 11 नियम है, आप याद कर लेना। आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, जो हमारी एक संधि और बच गई विसर्ग संधि, वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।